मुरादाबाद में कोरोना काल के दौरान नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवकों द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है, जिसकी हर जगह सराहना भी की जा रही है। जिसको लेकर नागरिक सुरक्षा कोर के वरिष्ठ वार्डन उन अपने साथियों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय पर स्वयंसेवकों को कोरोना सुरक्षा किट वितरित कराई गई और सभी से अपील की गई, आप सुरक्षित रहें और समाज की सेवा करते रहें। अशोक कुमार गुप्ता का ये कहना है कि लगातार ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। मुरादाबाद जनपद में जिला प्रशासन द्वारा जहां संक्रमित मरीजों के इलाज के साथ साथ उन्हें सुविधाएं देने के लिए काम किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के साथ समय समय पर अपना भरपूर योगदान देने वाला नागरिक सुरक्षा कोर इस ओर भरपूर प्रयास कर रहा है। संक्रमित मरीजों के घरों तक दवाई पहुंचाने का कार्य हो या फिर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रशासन का सहयोग करना हो, इन सभी कार्यों को लेकर स्वयंसेवक अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, जिनकी हर जगह सराहना भी की जा रही है। नागरिक सुरक्षा कोर के वरिष्ठ वार्डन भी सभी स्वयंसेवकों को उत्साहित करने के लिए काम कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा कोर के कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें सुरक्षा किट सभी स्वयंसेवकों को वितरित कराए गए। कोरोना काल में नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन लगातार समाज सेवा से संबंधित सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार ने भी उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखकर वैक्सीनेशन में भी प्राथमिकता दी। नागरिक सुरक्षा कोर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बढ़ चढ़ कर अपने साथियों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं और इसी क्रम में जिला प्रशासनिक अधिकारियों की प्रेरणा से नागरिक सुरक्षा में भीष्म पितामह के नाम से प्रख्यात एवं नागरिक सुरक्षा के सभी सम्मान प्राप्त समाज सेवी श्री अशोक कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में प्रभारी डिविजनल वार्डन कोतवाली भी हैं, उन्होंने कोरोना संक्रमित लोगों को दवाई बांटने वाली टीमों को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी किट देने का विचार बनाया। इस किट में फेस शील्ड, दस्ताने, मास्क और सैनिटाइजर है। अशोक गुप्ता का मानना है कि यदि हमारे वार्डन सुरक्षित रहेंगे तभी वे बढ़ चढ़ कर समाज सेवा के कार्य कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें ये विचार आया, जिस पर उन्होंने तुरंत अमल किया और कोरोना संक्रमितों को घर घर दवाई बांटने वाली टीमों के लिए किट तैयार करवाई, जिसका आज उपनियंत्रक अनीता प्रताप की उपस्थिति में ग्रुप लीडरों को वितरण हुआ। इस अवसर पर सहायक उपनियंत्रक श्री सतीश कुमार, प्रभारी सहायक उपनियंत्रक गुलाम नबी, अशोक गुप्ता, अनामिका गुप्ता, कुलदीप सिंह, नरेश शर्मा, उमेश कुमार शर्मा, शरीफ अहमद, राजेश गुप्ता, समर्थ सिंगल, दीक्षांत देओल, मुकेश सिसोदिया। मैंने हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के काफ़ी वार्डन प्रशासन द्वारा हर तरह की ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं। काफ़ी करीब 7-8 पार्टियां जो क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और प्रशासन द्वारा जो उन्हें दवाई दी जा रही है वो बांट रहे हैं घर घर जाकर। और हमारे जो जिनकी अभी एक वैक्सीन लगी है, कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगी है कि उन्हें बुलाया जाए, उन पर उनके फ़ोन करा जाए, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें लगवाया जाए। और घरों से भी हमारे वार्डन जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो कोटा है, हमारे जो हम सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए हमें दिया है टारगेट, वो टारगेट हमारे वार्डन के द्वारा घर से निकाल के वो पूरा करा जाए। आज आप सीनियर वार्डन हैं, तो आपने क्या वितरित किया है और किस उद्देश्य लेकर किया है? हम सीनियर वार्डन होने के नाते ये मेरा भी दायित्व बनता है कि जो हमारे वार्डन इतनी मेहनत से, इतने अपने कार्य कुशलता से और अपने सेफ्टी के लिहाज से जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारी भी सेफ्टी की वो है कि उन्हें भी हमने एक सेफ्टी किट बनाकर उन्हें दी है, ताकि वो भविष्य में अपने सहयोग से वो घर घर जाकर या जो भी ड्यूटी करनी है वो इल्जाम दें। ये कौन से डिवीज़न के हैं सारे वार्डन जिन्हें वितरित किया? ये डिवीज़न का कोई नहीं है, मैं कोतवाली डिवीज़न का प्रभारी डिवीज़न वार्डन हूँ, लेकिन ये सब पूरे शहर में जैसे जैसे ड्यूटी लगाई गई है उन वार्डनों को बुलाया गया। आगे भी कार्य जारी रहे? आगे भी यही मेरा विचार है कि हम कोशिश करें कि हर चौराहे पर जाकर जो वार्डन जो मास्क लगा कर नहीं आ रहे हैं उनको प्रेरित करें कि मास्क लगाएं, और हम उन मास्क को उन्हें देंगे भी।